अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू राइटिंग प्रैक्टिस M2S। आज हम M2S क्या करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे स्मॉल लेटर्स की और कैपिटल लेटर्स की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस M? M हम यहाँ पे रेड लाइन हैं, उनके सेंटर में आपको पता है कि ये जो हैं इनको हम M को हम सेंटर वाली टू लाइंस में लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। M को बिल्कुल M के आपने क्या करना है, नीचे लिखना है नीट सा। उसके बाद N भी जो है वो भी सेकंड लाइंस में ही आता है। उसके बाद O भी सेकंड लाइंस में ही आता है, दूसरी सेकंड वाली सेंटर वाली टू लाइंस में ही आता है। उसके बाद पी जो है वो नीचे वाली थ्री लाइंस में आता है। ठीक है, उसके बाद क्यू, आप क्या नहीं कहना, इसको क्यू होता है, ये क्या होता है क्यू, तो इसको भी हम नीचे वाली थ्री लाइंस में ही लिखेंगे। उसके बाद आर, उसके बाद एस, आपने भी सेंटर वाली टू लाइंस में ही एस लिखना है। अब हम कैपिटल लेटर्स को देख रहे हैं। कैपिटल लेटर्स हमेशा फर्स्ट वाली थ्री लाइंस में ही आते हैं ज़्यादातर, तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, फर्स्ट थ्री लाइंस में M, उसके बाद N, आपने भी वो भी थ्री लाइंस में ही आता है और इनके सेंटर में स्लैंटिंग लाइन आती है और ये टू स्टैंडिंग लाइन के सेंटर में क्या आती है, उसकी स्लांटिंग लाइन। उसके बाद ओ भी थ्री लाइंस में ही आता है, पी भी, क्यू, मेरे पीछे आप पढ़ेंगे क्यू, क्या कहना है क्यू, वेरी गुड। उसके बाद आर, आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एस, तो ये जो बाकी वाली जो रह गई हैं दो लाइनें, ये और ये वाली, इनमें आपने स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं और इनमें कैपिटल लेटर्स, और नीट नीट से लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़।